वित्त मंत्रालय के आह्वान पर आयकर विभाग हमीरपुर द्वारा हमीरपुर के हमीर भवन में आयकर दाताओं और आम जनता के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम लोगों की न केवल शिकायतों को सुना गया बल्कि उन्हें आयकर अधिनियम की जानकारी भी दी गई। आयकर अधिकारी हमीरपुर कुशल कुमार व आयकर निरीक्षक गुलाम मोहम्मद ने इस अवसर पर लोगों की शिकायतों का निवारण किया। अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अश्वनी जगोता, सुरेश हांडा, विपन शर्मा, बार संघ के अध्यक्ष सी ए अरुण गिरी, एडवोकेट सुशील शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर आयकर अधिकारी हमीरपुर कुशल ने कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों की शिकायतों का निवारण भी किया गया और लोगों को कानून की जानकारी भी दी गयी। बैजनाथ के पंडोल रोड में चल रहे गणेश उत्सव में भजन संध्या में हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायिका नीरू चांदनी ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी हिंदी और पंजाबी भजन गाकर लोगों को खूब नचाया। खचाखच भरे पंडाल में विशेष तौर पर महिलाओं व बच्चों ने नाच गाकर खूब मजा लिया। इस दौरान पंजाब से कलाकारों द्वारा झांकियां दिखाकर सबका मन मोह लिया गया। उन्होंने काली, शिव व रक्त बीज सहार की झांकी दिखाकर मां काली की महिमा का गुणगान भी किया। आयोजक ने बताया कि आने वाली भजन संध्याओं में काकू ठाकुर, करनैल राणा व नामी गायक गणेश भक्तों का मनोरंजन करेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन 12 सितंबर को विनवा नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। गायकी में करियर बनाने के लिए नौ म्यूजिक के लिए एक मंच प्रदान किया है और इसी के चलते बाईपास के पास बसंत रिजॉर्ट में सिंगिंग ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें उभरते हुए कलाकारों ने हिस्सा लिया। ऑडिशन के लिए सुबह से ही काफी संख्या में दूर दूर से प्रतिभागियों ने आना शुरू कर दिया और ऑडिशन देर शाम तक चलते रहे। ऑडिशन प्रक्रिया के दौरान कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा तो एक्सपर्ट ने भी अपने टिप्स देकर कलाकारों का मार्गदर्शन किया। नाउ म्यूजिक के आयोजक राहुल ने बताया कि सिंगिंग ऑडिशन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑडिशन लिए गए हैं और इससे विजेताओं का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि सिंगिंग ऑडिशन में अव्वल रहे कलाकारों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। प्रदेश भर में शिक्षा का हब कहलाने वाले हमीरपुर जिला के अग्रणी संस्थान MEDM एजुकेशनल सर्विस हमीरपुर में पटवारी टैट व TGT कमीशन की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग बैच शुरू हो गए हैं। पहले बैच में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अब तक 54 युवाओं ने प्रवेश लिया है। कोचिंग के इन प्रभावी बैच में युवाओं को अपनी जिंदगी के सपनों का साकार कर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर व माहौल प्रदान किया जा रहा है। इन कोचिंग बैच में प्रतिभाशाली व अनुभवी स्टाफ की सेवाएं दिए जाने का प्रबंध किया गया है ताकि प्रतिभागी अपनी इच्छा शक्ति व विश्वास को मजबूत आधार प्रदान कर प्रतियोगी परीक्षा में बैठ कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संस्थान से कोचिंग लेकर गए अभ्यर्थियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बैच शुरू होने से पहले अपने संबोधन में संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने अभ्यर्थियों से विभिन्न कोर्स की विस्तृत जानकारी देकर लक्ष्य को साधने के विभिन्न टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक दिन के टाइट शेड्यूल में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षार्थियों का मार्गदर्शन किया जा रहा है।
अगले प्रभावी कोचिंग बैच 12 व 15 सितंबर से शुरू किए जाएंगे, जिनमें वंचित प्रतिभागी पंजीकरण करवाकर समय रहते सेवाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं के लिए शाम के 3 से 6 बजे तक छुट्टी वाले दिन डे क्लासेज होंगी, ताकि उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी प्रभावित न होते हुए समयबद्ध तरीके से हो।